ये घटना सन 1949 की गर्मियों की है। युवा जियोलॉजिस्ट वादिम कोल्पाकोव साइबेरिया के एक मिशन पर तैनात थे। उनको उस इलाके का एक भौगोलिक नक्शा बनाने का काम मिला था। ड्यूटी के दौरान उन्हें कुछ ऐसा अनूठा और रहस्यमय मिला जो विशेषज्ञों के लिए दशकों बाद भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। हालांकि ये जगह अब पटोम्स्की क्रेटर के नाम से मशहूर है। लोकल लोग इसे फायर ईगल नेस्ट के नाम से जानते हैं, शायद क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक पहाड़ी पर किसी विशालकाय पक्षी का घोंसला रखा हुआ है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने और हैरान करने वाली खोज ये होगी कि इसके अंदर क्या छुपा है। खैर, इसके राज खोलने के लिए पहले करीब से इसका नजारा तो कर लीजिए। लोकल लोगों का कहना है कि जंगली जानवर तक भी इसके पास जाने से घबराते हैं। कोल्पाकोव धीमे कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। असल में ये दूर से देखने पर तो किसी विशालकाय चिड़िया के घोंसले जैसा लगा, पर जैसे जैसे वो उसके करीब आते गए उसका आकार और बड़ा होता चला गया। देखकर लग रहा था कि ये क्रेटर हाल ही में बना है। वहाँ की जमीन भी बंजर थी। इस कुदरती ढांचे की ढलानों तक पर पेड़ नहीं उग पाए और हवाएं भी यहाँ इतनी उपजाऊ मिट्टी उड़ाकर नहीं ला पाई जिससे यहाँ कोई पैदावार मुमकिन हो। जहाँ तक जानवरों का सवाल है, यहाँ एक भी जानवर नहीं दिखा। वो बड़ी मशक्कत से चढ़कर उसके टॉप पर जा पहुंचे और उन्होंने कुछ ऐसा खोज लिया था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके माथे से पसीना टपक रहा है। उन्हें लगा जैसे वो किसी फायर सोर्स के बेहद करीब हैं। उनके मन में पहला ख्याल यही आया कि शायद ये कोई ज्वालामुखी है। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। क्रेटर के बीचों बीच एक गोल आकार का टीला बना हुआ था। क्रेटर के केंद्र में जो गोल कुबड़ सा टीला बना हुआ था, उसकी ऊंचाई लगभग आपके एक आम टेलीफोन पोल की ऊंचाई जितनी थी। ज्वालामुखियों में ऐसी चीजें नहीं दिखती, यहाँ तक कि ठंडे निष्क्रिय ज्वालामुखियों में भी नहीं दिखती। और इस अजीबोगरीब टीले तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं है। जब कोल्पाकोव इस खराब जगह के इस अजीबोगरीब नजारे की गुत्थी नहीं सुलझा पाए तो वो घर लौट आए और सबको अपनी इस खोज के बारे में बताया। लोकल लोगों की ये आम चर्चा जल्द ही पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री के तौर पर फैल गई। पूरी वैज्ञानिक बिरादरी ने इस पर दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया और कई थ्योरियां पेश कर दी। कई सारे विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि ये काम किसी उल्कापिंड ने किया होगा, तो उन्होंने कई टेस्ट करने शुरू कर दिए ताकि पता चले कि क्या वाकई उल्कापिंड के टकराने से ऐसा दो टीलों वाला कुदरती ढांचा बन सकता है। शोध से नतीजा ये निकला कि शायद ये क्रेटर किसी ऐसी गोल चीज के गिरने से बना होगा जो एक ऐसे ठोस पदार्थ से बनी थी जिसका वजूद सिर्फ अंतरिक्ष में ही हो सकता है। तजुर्बे बढ़े तो पता चला कि अंतरिक्ष से एक नहीं बल्कि दो चीजें गिरी थी। जब पहला उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा तो उसमें विस्फोट हो गया जिससे यहाँ क्रेटर बन गया। फिर उसके ठीक पीछे अंतरिक्ष से दूसरी चीज गिरती हुई आई, पर पहले गिरी चीज के गिरने से हुए असर ने दूसरी गिरने वाली चीज के असर को धीमा कर दिया, इसलिए दूसरी चीज जमीन में गहराई तक घुसकर धरती में ही समा गई। पर बाकी लोगों ने विरोध किया। उनका दावा था कि उल्का पिंड ऐसे एक के पीछे एक उड़कर पृथ्वी पर ठीक एक ही जगह पर आकर नहीं गिर सकते। अभी भी ढेर सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। अब इस रहस्य को सुलझाने में अपना दांव आजमाने और ज्यादा विशेषज्ञ साइबेरियन टैगा आ गए। उनमें से एक ने पेड़ों के तनों की लकड़ी के अंदर हर साल बनने वाले ट्री रिंग्स का अध्ययन किया और लकड़ियों के नमूने इकट्ठे किए। उनको ये पता लगा कि शायद ये क्रेटर लगभग 300 साल पहले बना था। उनको ये भी पता चला कि इस जगह के मिट्टी में पेड़ पौधे बहुत तेजी से पनपते थे। जब ये दावे खारिज कर दिए गए कि यहाँ पेड़ पौधे इसलिए तेजी से पनपते होंगे क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और धूप बढ़िया मिलती होगी, तो बस एक ही अनुमान लगाना बाकी बचा जो था रेडिएशन। हाँ, विशेषज्ञ ये जानते थे कि अगर पेड़ पौधों को रेडिएशन की ज्यादा खुराक दी जाए तो वे तेजी से उगते हैं, मगर क्रेटर पर और उसके आसपास तो रेडिएशन के लेवल कम पाए गए थे। पिछले 300 सालों के दरमियान कभी ना कभी यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ भी जरूर रहा होगा। क्या यहाँ एक आसमानी चट्टान गिरी थी? क्या यहाँ कोई अनूठे किस्म का ज्वालामुखी था? थ्योरियां तो तमाम मिल गई हैं, पर इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज भी इन जवाबों की तलाश जारी है।